स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज की वीडियो में हम जानेंगे जब किसी भी नए ट्रांसफार्मर को इंडस्ट्री में लाया जाता है तो कुछ समय के लिए उसे बिना लोड के ही हम क्यों चलाते हैं, यानी ट्रांसफार्मर को क्यों चार्ज किया जाता है, ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त, जब किसी भी ट्रांसफार्मर को हम अपने इंडस्ट्री में लगाने के लिए लेके आते हैं तो उससे हम बिना लोड के ही 2 से 4 घंटा के लिए हम चलाते हैं, ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, आज के वीडियो में हम विशेष करके जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्त, जब हम नए ट्रांसफार्मर को लाते हैं तो उसके प्राइमरी साइड में हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, सेकेंडरी साइड में लोड नहीं डालते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है वह मैग्नेटिकली कनेक्ट होता है, यानी प्राइमरी साइड में हम सिर्फ वोल्टेज देते हैं और वह मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण से प्राइमरी वाइंडिंग से करंट जो है दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग में भी लिंक करता है। तो दोस्त जब हम प्राइमरी साइड में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और मैग्नेटिक जो फील्ड होता है दोस्त वह प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में लिंक करता है। तो जब लिंक करता है तो उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण से दोनों जो वाइंडिंग होता है दोस्त वह हीट होता है। तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम फैन वगैरह भी लगाते हैं और आयल डालते हैं कि जिसके कारण से हमारा जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है वो प्रॉपर कूल हो सके। आप देखते होंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्त उसमें रेडिएटिंग विंग्स लगा होता है। किसी भी ट्रांसफार्मर में लोड डालते हैं और वाइंडिंग होता है दोस्त हीट होता है, आयल इसलिए हम डालते हैं जिसके कारण से वाइंडिंग का हीट जो है उस आयल के माध्यम से रेडिएटिंग विंग्स होते हुए एयर में डिसिपेट हो जाता है। जो वाइंडिंग हमारा हीट हो रहा है वह कूल हो सके इसलिए हम आयल डालते हैं, और आयल डालते हैं दोस्त उसमें मॉइस्चर ना आ सके, यानी उस पर कोई ड्रॉपलेट ना हो, पानी की मात्रा ना हो, इसलिए दोस्त हम ऐसा करते हैं। अगर हीट होगा यानी मैग्नेटाइजिंग करंट प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में जब लिंक करेगा तो हीट उसमें जनरेट होगा और हीट होने से जो तेल में थोड़ी सी भी नमी होगी वह सूख जाएगा, यानी उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, ये जो नया ट्रांसफार्मर बना हुआ है, इंडस्ट्री जहाँ ट्रांसफार्मर बनाया भी जाता है वहाँ पर भी आयल डालने के बाद उसे चार्ज किया जाता है, जिसके कारण से अगर थोड़ी सी भी नमी उस आयल में होगा तो वह मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण से हीट होके और फिर वह अब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, जो भी वाइंडिंग होता है वह पूर्ण रूप से आयल में डुबा के रखा जाता है। अगर ये वाइंडिंग हीट होता है तो इस आयल के माध्यम से ही जो हीट होता है दोस्त वह एयर में डिसिपेट होता है, क्योंकि जब वाइंडिंग पे हम लोड डालते हैं तो आयल भी गर्म होता है और आयल जब गर्म होता है तो एक्सपेंड करके ऊपर की तरफ उठता है और ये जो ट्रांसफार्मर में रेडिएटिंग विंग्स होता है इसके माध्यम से एयर में डिसिपेट हो जाता है। और जब हम नए ट्रांसफार्मर को अपने इंडस्ट्री में लेके आते हैं तो उसे जब चार्ज किया जाता है तो चार्ज करते वक्त जो भी नमी अगर इस आयल में होगा, क्योंकि जब हम प्राइमरी साइड में सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिकली ये कनेक्ट होगा, यानी उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है दोस्त वह प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक करेगा और वाइंडिंग दोनों हीट होगा, तो जो भी नमी होगा दोस्त वह इस ब्रीदर के हेल्प से बाहर निकल जाएगा, यानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसलिए दोस्त जब भी हम किसी नए ट्रांसफार्मर को इंडस्ट्री में लगाने के लिए लेके आते हैं तो उसे 4 से 5 घंटा के लिए हम उसे बिना लोड के ही चलाते हैं, जिसके कारण से अगर आयल में भी थोड़ी सी भी नमी होगी तो वह एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी सूख जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए दोस्त हम उसे चार्ज करते हैं। और किसी भी ट्रांसफार्मर चाहे वो पुराना हो या नया, मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करना रहता है, और पुराना जो ट्रांसफार्मर होता है चाहे नया ट्रांसफार्मर हो उसमें VDB टेस्ट किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है दोस्त। इसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज या डायलेटिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, क्योंकि इसके हेल्प से ही हमें पता चल पाता है कि जो आयल है दोस्त उसमें उसकी क्वालिटी क्या है। चाहे नया ट्रांसफार्मर हो या पुराना ट्रांसफार्मर हो, इन दोनों में ये टेस्ट किया जाता है, जिससे हमें पता चल पाता है कि जो आयल है दोस्त वह किस क्वालिटी में है, चेंज करने की कंडीशन में है या इसमें नमी वगैरह तो नहीं है। तो विशेष करके दोस्त जो है VDB टेस्ट इसलिए किया जाता है जिससे हमें पूर्ण रूप से जानकारी लग सके या आयल की क्वालिटी को हम मॉनिटर कर सके। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि जब नया ट्रांसफार्मर को हम लेके आते हैं तो उसे हम चार्ज क्यों करते हैं। तो अगर वीडियो आपको कहीं भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।